भारत को सिर्फ ज्ञान बांट रहे थे ट्रूडो। कनाडा पुलिस ने खुद ही खोल दी पोल, खालिस्तान समर्थन की बात भी कबूली। इंडिया कनाडा टेंशन, कनाडा में खालिस्तान समर्थक आतंकी खूब फल फूल रहे हैं। ये बात तो भारत कई बार जस्टिन ट्रूडो की सरकार को बता चुका है। अब कनाडा पुलिस ने खुद ये स्वीकार कर लिया है कि उनकी धरती पर प्रो खालिस्तानी एलिमेंट मौजूद हैं। कैमरे के सामने पुलिस ने यह बात स्वीकार कर ली। कनाडा पुलिस ने माना कैसे उनके देश में पनप रहे खालिस्तानी आतंकी। हरदीप सिंह मिज्जर की मौत के लिए कनाडा भारत को जिम्मेदार मानता है। हरदीप सिंह मिज्जर भारत में एक घोषित खालिस्तानी आतंकी है। भारत से पंगा लेने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने ही देश में अब फंसते नजर आ रहे हैं। ट्रूडो एक तरफ भारत पर उनके देश में मौजूद सिख समुदाय पर हमले कराने का आरोप लगा रहे थे, वही दूसरी तरफ उनके ही देश की पुलिस ने ट्रूडो की पोल खोल कर रख दी। कनाडा पुलिस ने ये स्वीकार कर लिया कि उनके देश में खालिस्तान समर्थक गुट जमकर फल फूल रहे हैं। भारत बार बार कनाडा से खालिस्तानी आतंकियों पर नकेल कसने का अनुरोध करता रहा है। ट्रूडो सरकार हमेशा से ही अपने धरती से भारत में किसी भी प्रकार की साजिश रचे जाने की बात से इनकार करती रही है। एक पत्रकार के सवाल पर अब खुद कनाडा पुलिस ने स्वीकार कर उनके यहाँ प्रो खालिस्तानी तत्व अच्छे से फल फूल रहे हैं। दरअसल पत्रकार ने पूछा कि हमें ये जानकारी मिल रही है कि भारत यहाँ कनाडा में साउथ एशिया के रहने वाले लोगों को टारगेट कर रहा है। अगर एकदम सटीक बात की जाए तो वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और एक्सटॉर्शन में लगी सिख कनाडाई कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। इस पर जवाब दिया गया, नहीं, वे विशेष रूप से कनाडा में खालिस्तान समर्थक तत्वों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में कनाडा की पुलिस ने कम से कम ये तो स्वीकार कर ही लिया है कि वहां जस्टिन ट्रूडो की सरकार अपनी धरती पर कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ावा दे रही है। पिछले साल कनाडा की धरती पर मारे गए खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह मिज्जर की मौत के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ना शुरू हुआ था। मिज्जर भारत में घोषित आतंकवादी था। उधर जस्टिन ट्रूडो भारत के खिलाफ अपने मित्र देशों को लामबंद करने की कोशिशों में जुटे हैं। भारत द्वारा कनाडा के 6 राजनयिकों को वापस जाने का फरमान सुनाने के बाद कनाडा ने अपने दोस्त ब्रिटेन से इस मामले में मदद मांगी है। जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के पीएम कीर स्टार्मर को फोन मिलाया। जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि पिछले साल कनाडाई नागरिक मिज्जर की हत्या में भारतीय अधिकारियों की संलिप्तता के आरोपों से संबंधित उसके पास जो भी सूचनाएं हैं, उन सभी को उसने विशेष रूप से अमेरिका सहित अपने निकट सहयोगियों के साथ साझा की हैं। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलने के बाद एक कनाडाई नागरिक ने ही जस्टिन ट्रूडो की पोल खोल दी। कक्लुबिमोव नामक शख्स ने एक्स पर लिखा, कनाडा में भारत के मामलों पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले साल की तरह ही एक और भयानक और खतरनाक पीआर स्टंट की तरह लगती है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर कहा कि भारत के राजनेता कथित तौर पर और शायद संभवतः भी शामिल थे, जबकि मेलानी जोली कनाडाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कथित तौर पर ऐसा नहीं कहा, लेकिन उनके पास अधिक निश्चित शब्दावली थी। ट्रूडो की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिखों और खालिस्तानियों के बीच भी अंतर नहीं किया गया, क्योंकि पुलिस ने पुष्टि की कि निशाना खालिस्तानी समुदाय के खिलाफ था, जो वैसे भी भारत और उनके राजनयिकों के खिलाफ ढेरों धमकियां दे रहा है। क्या बकवास।